अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हम रफियाबाद के कोकरवान एरिया में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूं, ये एरिया जो है इस टाइम जहां पे हम खड़े हैं, यहां पर हमें खड़ा होकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई हम इस टाइम पैराडाइज जन्नत में हैं। मैं आपको यहाँ की खूबसूरती के बारे में थोड़ा आगाह करना चाहूँ, बताना चाहूँ। यहाँ पर मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा हरा भरा जो है इसको फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, और यहाँ पे हल्की फुल्की हवाएं भी चलती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, इसके जो बिल्कुल सामने जो है एक नाला जाता है जिसमें ट्राउट मछली जो है वो पाई जाती है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमने देखी। और यहाँ पर हमें इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस वक्त जुलाई का जो महीना है जिसको चल रहा है, जो कि कश्मीर के एतबार से बड़ा गर्म महीना होता है, तो यहाँ पर इस वक्त जो हमें महसूस हो रहा है टेम्परेचर बिल्कुल 20 के आसपास जो है, ना यहाँ पर सर्दी महसूस हो रही है ना गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही हैं। और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छा जो इस टाइम यहाँ पर इंजॉय करें, मेरी टीम यहाँ पर आई हुई है, हमने ये मुनासिब जाना कि हम इस जगह पर जाएँ और यहाँ की खूबसूरती को आप तक पहुँचाएँ। और आला इंतज़ामिया जो है हमारे हायर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम उनको ये बताएं कि इस जगह को जो है एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वो घोषित करना चाहिए, इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए, ताकि बाहर से जो भी सियाह आएँ वो यहाँ पर आके जो नेचुरल जो है कुदरती अल्लाह की जो है यहाँ पर आके इनको मज़ा लें, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। कैमरामैन सूफी नायद के साथ मैं नदीम ख्वाजा, KNS रफियाबाद।